न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। अगली खबर में हम बात करते हैं सिंगरौली की, जहां कैबिनेट मंत्री ने पहुंचकर अग्निवीर पर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि केंद्र का मामला है, जल्द सुलझ जाएगा, युवाओं के आक्रोश का चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाजपा प्रत्याशी चंद्र प्रताप का पर्चा दाखिल कराने पहुंचे थे मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह। देश भर में अग्निवीर सेना भर्ती अभियान को लेकर उग्र आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है, जिससे होने वाले चुनाव में भी युवा आक्रोश का कुछ असर पड़ सकता है। भाजपा प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा का पर्चा भरवाने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह सिंगरौली पहुंचे हैं, जहां बीजेपी कार्यालय ढोटी मेन रोड से रैली शुरू हुई। रैली में सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक, विधायक सिंगरौली राम लल्लू बैस, विधायक देवसर सुभाष वर्मा, पूर्व विधायक राजेंद्र मेश्राम, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कांत देव सिंह, बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल समेत हजारों कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से पूछे जाने पर कहा कि अग्निवीर को लेकर एक्शन रिएक्शन आक्रोश है, लेकिन यह केंद्र का मामला है, जल्द ही सुलझ जाएगा और नगर निगम चुनाव में युवाओं के आक्रोश का कोई असर नहीं पड़ेगा। टिकट के दावेदारों के बगावत और असंतुष्ट के मुद्दे पर कहा कि चुनाव पार्टी लड़ती है, सब लोग एक है और भारी मतों से भाजपा की जीत होगी। देखिए, असंतुष्टि वाली भारतीय जनता पार्टी में कोई बात रहती नहीं है। इसका मूल कारण है कि प्रत्याशी हमारा कैंडिडेट नहीं है, हमारी कैंडिडेट हमारे पार्टी का कार्यकर्ता होता है और इसलिए चुनाव कैंडिडेट नहीं लड़ता है, हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है। और इसलिए किसी को, जिसको भी पार्टी तय करती है, संगठन तय करता है, उसके साथ सभी कार्यकर्ता खड़ा होता है। और वो उत्साह आपने बीजेपी कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक देखा होगा। मैं भी चेहरे ऑब्जर्व कर रहा था, आम लोगों के चेहरे ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि मैं पीछे चल रहा था। उससे उत्साह है, एक स्पार्किंग है और हमें तो ये लगता है कि भारी बहुमत से हमारे चंद्र प्रताप जी जीतेंगे। सर, पाँच साल में तो महापौर, इससे पहले प्रेमवती करवा रही, उनका टिकट काट दे, कुछ काम में कमी रहेगी? ये संगठन निरंतर विचार करता रहता है, नए लोगों के चेहरे हमारे आते रहते हैं, बनते रहते हैं, और जो मूल कार्यकर्ता है, काम करने वाला है, उस पर पार्टी विचार करती है। और इसलिए मैं मानता हूँ संगठन के चुनावी मुद्दे क्या है मंत्री जी, युवा मतदाता यहाँ अच्छा खासा है, उसके लिए क्या रहेगा? हमारे कैंडिडेट भी यूथ है और इसलिए मुझे लगता है कि यूथ हमारे साथ रहेगा। किस तरह के मुद्दे में काम करेंगे चुनाव, क्या लगा? युवा काफी वो एक कोई डिसीजन यदि पार्टी संगठन या आपके केंद्र की तरफ से हुआ है, जहाँ भी हुआ है उस पर निर्णय हुआ है, अब ये थोड़ा बहुत आक्रोश, उस पर प्रतिक्रियाएँ, रिएक्शन, सपोर्ट, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं।